हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सितंबर क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और वो नतीजे कैसे हैं उसके बारे में वीडियो में बातचीत करेंगे। और हाल फिलहाल में जब शेयर 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज हल्की सी गिरावट है। एक्चुअली अगर आज देखें तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1-1.5% के आसपास की गिरावट जरूर है। ये पिछले एक महीने की बात करो, पिछले एक महीने में इस शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिली। अब देखिए, 30 रुपए पर था, वापस शेयर पहुंच गया 32 पे, गिरावट आई 30 पे, वापस पहुंचा 32 पे, गिरावट आई तेजी आई, गिरावट आई तेजी आई, गिरावट आई। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 31% की गिरावट है। देखिए, कोरोना काल में 18 रुपए तक ये शेयर टूट गया था और 46 रुपए से गिरकर ये शेयर नीचे आया है। और इससे पहले, कोरोना से पहले मैंने कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही इसके मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे और बैंक ने पहली बार काफी लंबे अरसे बाद एक प्रॉफिट बुक किया था, अच्छा खासा पैसा कमाया था उस क्वार्टर में, और तब शेयर 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और तब मैंने कहा था कि यहां से इस बैंक की किस्मत बदल सकती है, अब अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी, लेकिन इस साल कोरोना मई महीने में मैंने इसमें बाइंग की एडवाइस दी, जब इनके क्वार्टर के नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के, अच्छे थे, प्रॉफिट हुआ था इनको, तेजी आई। जून क्वार्टर के नतीजे भी बहुत बेहतर आए थे, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी आप खरीद सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तेजी यहाँ पर फिर से देखने को मिली और अब सितंबर क्वार्टर के इनके नतीजे भी देखने को मिले हैं और ये नतीजे भी कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो अच्छे हैं, बेहतर है। ये कहीं ना कहीं इस शेयर को और ऊपर ले जाने का काम करेंगे और स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 49% की गिरावट है और ये वो वक्त था जहां पर मैंने आपको कहा था कि अवॉइड करो, इस शेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर और हर बार मैंने आपको इस शेयर से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन जैसे ही इसके फंडामेंटल थोड़े और बेहतर होना शुरू हुए मैंने कहा था कि अब आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मिड कैप शेयर है, 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआई म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, तीनों ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कट डाउन की है, खास करके इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी ने जितनी तेजी से खरीदारी करी उतनी ही तेजी से बिकवाली भी कर ली। आप देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले भी कुछ ज्यादा होल्डिंग नहीं थी, 1% से भी कम की होल्डिंग मार्च 2020 के क्वार्टर तक की थी। एक ही क्वार्टर में उन्होंने 8.19% की होल्डिंग बढ़ा ली और बाद में वही होल्डिंग को उन्होंने फिर से बेच दिया, 0.57% की होल्डिंग अब देखने को मिली है। तो ये वाकई में सरप्राइज फैक्टर है। इंश्योरेंस कंपनीज, जो हम ये मान के चलते थे कि ऐसे फंड हाउस होते हैं जो लंबी दूरी तक का निवेश करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने, ये जो भी इंश्योरेंस कंपनीज थी, उन्होंने एक ही क्वार्टर में प्रॉफिट बुक करके निकल भी गए ये यहाँ से। एफआईएस के पास 11% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की। म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, इंश्योरेंस कंपनी ने तो बहुत बड़ी होल्डिंग कट डाउन यहाँ पर कर दी है। 11 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 147 एफआईएस का पैसा लगा है। प्रमोटर की बात करेंगे तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जिनके पास 40% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.17% के आसपास देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर बना, खास करके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात, मतलब मेजोरिटी पर्सन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ये वो वक्त था जब मैंने आपको बाइंग एडवाइस दी थी, जब इस बैंक ने 76 करोड़ का मुनाफा कमाया था मार्च 2020 के क्वार्टर में। मई महीने में इनके नतीजे आए थे और मैंने कहा था कि अब आप खरीदारी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दी, क्योंकि इससे पहले हर क्वार्टर में इस बैंक को बड़ा नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा था, 1,631 करोड़, 675 करोड़, 611 करोड़, तो काफी बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ से एक अच्छे खासी शुरुआत हुई पैसा कमाने की। मार्च में अच्छे नतीजे आए, जून 2020 में भी अच्छे नतीजे आए और सितंबर के भी नतीजे आ चुके हैं और उसमें भी इनको 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये काफी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं।
इस बैंक की तरफ से पिछले 3 क्वार्टर बैंक के लिए काफी बेहतर साबित हुए हैं। पिछले 3 क्वार्टर में बैंकों पर इस बैंक पर लोगों का भरोसा लौटा जरूर है। पिछले 3 क्वार्टर में बैंक ने कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। पहले था 75 करोड़, फिर 100 करोड़, अब 101 करोड़, तो प्रॉफिट अच्छे हुए हैं इस बैंक को, अच्छी बात है। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है, ओवरऑल चीजें बेहतर होती हुई देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक सरप्राइज फैक्टर इंश्योरेंस कंपनी ने पहले जून क्वार्टर में दिया, अब सितंबर क्वार्टर में भी दिया। जैसे कि मैंने कहा कि मार्च 2020 में 0.70% की होल्डिंग थी इंश्योरेंस कंपनी के पास, जून क्वार्टर में वो 8.19% तक पहुंच गई, मतलब एक बहुत बड़ी खरीदारी इंश्योरेंस कंपनी ने करी थी। लेकिन अभी वही इंश्योरेंस कंपनी ने वापस उससे कई ज्यादा बड़ी बिकवाली भी कर दी, 0.59% की होल्डिंग अब सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास बची है। तो ये वाकई में सरप्राइज है, शॉकिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ना हो शॉर्ट सेलर बन चुके हैं यहाँ पर अभी के तौर पर, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो थोड़े से फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, खास करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक से आपको दूर रहना चाहिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है, तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करने का या फिर आप इसमें निवेशित होने का मन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश प्लेयर है, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, 3-4 महीने का नजरिया है, तो अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी मेरी तरफ से। IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप खरीदारी भी करो तो ऐसा मत कर लेना कि एक ही प्राइस बहुत सारे शेयर्स खरीदे, ये मैं आपको काफी वक्त से समझा रहा हूँ। आपको खरीदारी अगर इसमें करनी भी है तो टुकड़ों में खरीदारी करो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उनको 5-6 टुकड़ों में डिवाइड करें और खरीदारी करें, और कम से कम 1.5-2 साल का प्लान लेकर चले IDFC फर्स्ट बैंक पर। यही एक अभी के तौर पर एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, खास करके US इलेक्शंस को लेकर, और दूसरी बात जो कोरोना को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, डरने की जरूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर, गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा इसको रिकवर होने में, लेकिन डेफिनेटली शेयर रिकवर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।